इटली में संपन्न हुई G7 की बैठक, इटली से पूरी तस्वीर आई सामने, दुनिया भर में बनी चर्चा का विषय। तस्वीर को लेकर पाकिस्तान और चीन की मीडिया में क्यों है नाराजगी, उठ रहे हैं इस बैठक को लेकर कई सवाल। जब भारत G7 देश का सदस्य नहीं तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों है बीच में खड़े। दरअसल इटली में G7 की बैठक संपन्न हो चुकी है, इसके बाद वहाँ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी छाई हुई है। बता दें कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में खड़े नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सारे के सारे देशों के बीच में सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में खड़ा होना कई सवालों को खड़ी कर रहा है। बता दें कि दुनिया में कहीं भी G7 की बैठक हो, नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होते ही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही टिकी रहती है। उनके फोटोशूट सेशन के दौरान उनके पोजीशन को देखकर कई देश दंग भी रह गया कि आखिर क्या बात है कि नरेंद्र मोदी सारे देशों के बीच में खड़े हैं। बता दें कि G7 की बैठक में यह ऐलान किया गया है कि यूरोपीय देश में रूस की जितनी भी संपत्ति है उसका ब्याज रस को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वह पैसा यूक्रेन को दिया जाएगा। यूरोपीय देशों में रूस का जितना भी काश जमीन और सोना है उसे फ्रीज कर लिया गया है और उन सभी संपत्ति को यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया गया है। इन सभी हालातों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़े सचेत हो गए हैं। जो चीज दूसरे देशों के साथ हो रही है वह कहीं भारत के साथ ना हो, इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी चिंतित है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसको लेकर नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा।